माइंड आएगा, वो आपको एंग्जाइटी क्रिएट करवाएगा, वो आपको कहेगा इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप वापस उस मेडिटेशन को छोड़ दो। आपको ये कहना है खुद के माइंड को कि 5 मिनट क्या मैं अपने लिए जी लूं, क्या मैं आंखें बंद करके तेरे चले बिना कभी बैठ सकता हूं क्या। तो आपको माइंड को एकदम टास्क देनी कि अभी शट अप फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, मेरे को कोई थॉट नहीं देगा। जैसे आप इसको कमांड दोगे तो ये 1 मिनट तक सुनेगा, और स्टार्टिंग में आपको बहुत परेशान भी करेगा क्योंकि आपकी आदत तो बनी हुई है नहीं। अभी तो जो माइंड करवाता है वही हम करते चले जाते हैं, हमने अपने आप को और माइंड को अपने से डिफरेंस देखा ही नहीं है। तो वहाँ पे इशू आता है, थोड़ा थोड़ा इससे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए मेडिटेशन में जो स्वाद है ना, वो आप बाहर किसी भी एक्टिविटी में कुछ भी कर लो, आप जितने भी बाहरी आपको फन दिखता है या एक्टिविटीज़ में मज़े आते हैं या कुछ भी होता है, उसके साथ में हमेशा उस सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ होगा। जैसे मान लो आपको खाना खाने में मज़ा आता है, अब खाना खाने का स्वाद लेना या उसके सुख लेने के लिए पहले तो आपको भूख पालनी पड़ेगी, फिर भूख पालने के बाद में जो आप ओवर ईटिंग करोगे उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेज में दुख पाना पड़ेगा। तो थोड़े से सुख के लिए काफ़ी सारा दुख होना जरूरी है जो भी बाहर है, लेकिन भीतर जो माइंड के अंदर है उसके लिए दुख से कोई रिलेशन नहीं है उसका। आप जैसे ही नथिंगनेस की स्टेट के अंदर जाना स्टार्ट होगे, मेडिटेशन में जाना शुरू करोगे, उस साइलेंस में उतरना शुरू करोगे, तो उस साइलेंस का जो स्वाद है अगर एक बार आप में डेवलप हो गया तो उसके साथ कोई दुख नहीं है। समझ रहे हो? बाहर आप कुछ भी सुख ढूंढना चाहोगे तो उसके साथ दुख जुड़ा होगा, भीतर आप जो आनंद ढूंढना चाहोगे उस आनंद के साथ में कोई भी सुख या दुख से परे हो चीज, इतनी आपको अंदर ब्लिसफुलनेस मिलेगी विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। आप जो अंदर महसूस करोगे ना, अंदर जो आनंद आपके ऊपर बरसेगा उसके साथ दुख का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको समझनी है कि मेडिटेशन इतने लोग करते आ रहे हैं, इतनी सदियों से चल रहा है, ऐसा क्या है? कोई बेवकूफ तो है नहीं कि साइड में जाके कहीं बैठ गया, उसको कोई मजा तो आ नहीं रहा, उसको कोई एक्चुअली क्या है कि हमारा माइंड हमें ये कहता है कि मेडिटेशन वाले लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अब मेडिटेशन करने वाले कैसे बताएं कि वो कुछ मिस नहीं कर रहे, बल्कि जो वो पा रहे हैं वो कोई भी नहीं पा पा रहा। असली जो भोगी है, असली जो इंजॉय करने वाला बंदा है, असली जो लाइफ को जीने वाला बंदा है वो मेडिटेटर है, और हमारी नज़रों में मेडिटेटर तो परेशान है। वो मेडिटेशन में इसलिए गया हुआ है क्योंकि उसको इधर या तो उसके पास कोई पैसे नहीं है इंजॉय करने के लिए या कुछ भी, जो भी हमारा माइंड कहता है। लेकिन मेडिटेटर की नज़र से अगर आप देखोगे तो आप सब ऐसी चीज़ मिस कर रहे हो जिसमें असली जीवन का आनंद जो है वो आपको कोई पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में कि असली सुख है क्या, सुख से परे कौन सी चीज़ है। वो सिर्फ ध्यान से आप उस स्वाद को पकड़ सकते हो। ये भी कहना गलत है कि आप उसको पा सकते हो, क्योंकि आप उसको पा भी नहीं सकते, आप उसको जी सकते हो बस। दैट स्टेट ऑफ मेडिटेटिवनेस इज़ वेरी ब्लिसफुल।